प्रोफेशनल्स, वेलकम टू आवर चैनल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन। लास्ट वीडियो में हमने बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे बायोसेफ्टी लेवल्स के बारे में कि कौन से कैबिनेट हमें कौन से लेवल के लिए यूज़ करना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किस लेवल पर ट्रीट करना चाहिए जिससे कि पर्सन हु इज़ डीलिंग विद दैट ऑर्गेनिज्म रिमेन्स सेफ फ्रॉम इन्फेक्शन। लेट अस स्टार्ट। BSL चार टाइप्स के होते हैं, BSL 1, BSL 2, BSL 3 एंड BSL 4। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट लेवल्स में डाला गया है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क दे कॉज। BSL 1 में लो रिस्क ऑर्गेनिज्म होते हैं और BSL 4 में हाईएस्ट रिस्क ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे BSL लेवल इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे रिस्क भी इंक्रीज़ होता है। BSL की डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोसेफ्टी लेवल्स आर अ सीरीज ऑफ प्रोटेक्शन रेलिगेटेड टू ऑटोक्लेव रिलेटेड एक्टिविटीज़ that take place in particular biological labs. They are individual safeguards designed to protect laboratory personnel as well as the surrounding environment and community. यानी कि biological laboratories में जो activities या testing होती है उसके against ये protection provide करवाता है उस बंदे को जो testing perform कर रहा है और environment को भी। बेसिकली इट इज़ द लेवल ऑफ प्रिकॉशन जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर होती है ताकि जो हार्मफुल एजेंट्स हैं वो एक स्पेसिफाइड प्लेस में ही एंक्लोज रहें जहाँ पर काम हो रहा है एंड नॉट स्प्रेड इन द एनवायरनमेंट अराउंड। द लेवल्स ऑफ कंटेनमेंट रेंज फ्रॉम द लोएस्ट बायोसेफ्टी लेवल 1 टू द हाइएस्ट एट लेवल 4. In the United States, the Centers for Disease Control and Prevention have specified these levels. एक एक करके सारे लेवल्स देखते हैं। स्टार्ट करेंगे बायोसेफ्टी लेवल 1 BSL 1 से। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस लेवल में लोएस्ट रिस्क होता है। इसमें पर्सनल लो रिस्क माइक्रोब से डील करता है जो कि थोड़ा या फिर बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं देते हेल्दी इंडिविजुअल को। BSL 1 में जिन माइक्रोब्स के साथ काम किया जाता है वो हैं नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ E. coli, केनाइन हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स और नॉन इन्फेक्शियस बैक्टीरिया। इस लेवल में आप रिसर्च वर्क टेबल टॉप और बेंचेस पर परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज एजेंट्स इन BSL 1 आर नॉट रिस्की एंड हार्मफुल फॉर अस। BSL 1 ऑल्सो रिक्वायर्स इमीडिएट डीकंटामिनेशन आफ्टर स्पिल्स। इन्फेक्शन मटीरियल आर ऑल्सो डीकंटामिनेटेड प्रायर टू डिस्पोजल जनरली थ्रू द यूज़ ऑफ ऑटोक्लेव। BSL 1 में काम करते हुए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैकेनिकल पिपेटिंग करनी है, सिर्फ माउथ पिपेटिंग नहीं करनी। शार्प हैंडलिंग करनी है। अवॉइडेंस ऑफ स्प्लैशेस और एरोजोल्स। डेली डीकंटामिनेशन ऑफ वर्क सर्फेसेस आफ्टर वर्क। हैंड वॉशिंग और खाना पीना उस एरिया में नहीं करना है, खाना पीना दूर रखेंगे। हैंड वॉशिंग करनी है। प्रोहिबिशन ऑफ फूड, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने हैं यानी कि आई प्रोटेक्शन, ग्लव्स, लैब कोट। बायोहजार्ड के साइन लगे होने चाहिए वर्किंग एरिया में। लेबोरेटरी पर्सनल को पैथोजेनिक एजेंट्स हैंडल करने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक्सेस टू लेबोरेटरी इज़ लिमिटेड व्हेन वर्क इज़ बीइंग कंडक्टेड। एक्सट्रीम प्रिकॉशंस आर टेकन विद कंटामिनेटेड शार्प आइटम्स। सर्टेन प्रोसीजर्स इन विच इन्फेक्शंस, एरोजोल्स और स्प्लैशेस में बी क्रिएटेड आर कंडक्टेड इन बायोसेफ्टी कैबिनेट्स और फिजिकल कंटेनमेंट इक्विपमेंट। नेक्स्ट इज़ BSL 2। BSL 2 में उन इन्फेक्शियस और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से डील करते हैं जो कि ह्यूमन डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। मॉडरेट हेल्थ हैजार्ड्स कॉज करते हैं BSL 2 के एजेंट्स। इसमें आते हैं HIV वायरस, इक्वाइन एंसेफेलाइटिस वायरस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, हेपेटाइटिस A, B, C, इन्फ्लुएंजा A, लाइम डिजीज़, डेंगी, मीजल्स, मम्स, MRSA यानी कि मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और VRSA यानी कि वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। पर्सनल जो इन माइक्रोब से डील करता है उनको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए जिससे कि कट्स वगैरह ना लगे, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सपोजर ना हो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। BSL 2 जोन एक रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है जहाँ पर किसी आउटसाइडर या फिर पर्सन जिसको कंटामिनेशन के ज़्यादा चांसेस हैं उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड इन BSL 2। अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने हैं यानी कि लैब कोट, ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन के लिए पहनना है। ऑल प्रोसीजर्स दैट कैन कॉज इन्फेक्शंस फ्रॉम एरोजोल और स्प्लैशेस आर परफॉर्म्ड विद इन बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। ऑटोक्लेव का यूज़ करना है डिकन्टामिनेशन के लिए। क्लोजिंग मतलब डोर्स जो हैं हमारे वो लॉकेबल डोर्स होने चाहिए, सेल्फ क्लोजिंग, सिंक होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग, ये सब। अब देखते हैं BSL 3। इन लेवल में इंडिजीनियस और एक्जॉटिक माइक्रोब्स पर काम होता है जो कि इन्हेलेशन के थ्रू सीरीज लीथल डिजीजेस कॉज करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, येलो फीवर, मोस्ट ट्रेंडिंग आजकल जो है SARS-CoV-2 वायरस यानी कि कोविड-19 कोरोना वायरस। आप सब देख ही सकते हैं कोरोना वायरस किस लेवल का इन्फेक्शन फैला रहा है, 1 साल हो गया इसको और अभी भी इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और इसमें जो आते हैं वो कि रिकेट्सिया, साल्मोनेला टाइफाई, वेस्ट नाइल वायरस, बेसिकली इसमें वो वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं जिनका ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीन अवेलेबल है। ये माइक्रोब्स इतने सीरियस होते हैं कि इनके ऊपर काम करने वाले रजिस्टर्ड गवर्नमेंट एजेंसीज़ में ही होता है इन पर काम, और जगह नहीं कर सकते, किसी भी जगह पर नहीं कर सकते इन पर काम। जो पर्सनल इन माइक्रोब्स पर हम काम कर रहे हैं वो मेडिकल सर्वेलेंस में रहते हैं और वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं उन माइक्रोब्स के लिए जिनके साथ वो काम कर रहे हैं। कॉमन रिक्वायरमेंट्स इसमें क्या होती हैं, वही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने हैं, गाउन्स वगैरह, ग्लव्स, कवरऑल्स। ऑल वर्क ऑफ माइक्रोबल मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन एन अप्रोप्रिएट BSC। एक्सेस हैंड फ्री सिंक, आई वॉश अवेलेबल नियर द एग्जिट। सस्टेन डायरेक्शनल एयरफ्लो टू ड्रॉ द एयर ऑफ द लेबोरेटरी फ्रॉम क्लीन एरियाज टुवर्ड्स पोटेंशियली कंटेमिनेटेड एरियाज। सेल्फ क्लोजिंग डोर्स होने चाहिए। एक्सेस टू BSL 3 लेबोरेटरी इज़ रिस्ट्रिक्टेड यानी कि बाहरी लोगों का आना अलाउड नहीं है। लास्ट हमारा आता है BSL 4। BSL 4 लैब्स बहुत रेयर हैं। BSL 4 डील करता है विद हाईली डेंजरस एंड रिस्की एक्जॉटिक माइक्रोब्स। इन माइक्रोब्स द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसकी कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप सोच सकते हैं ये माइक्रोब्स कितना फेटल इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं एक पर्सन में। इसके एग्जाम्पल हैं इबोला वायरस और मार्बर्ग वायरस। BSL 4 लैब्स एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही सेटअप होती है, पब्लिक से दूर, जहां पर सिर्फ वर्किंग स्टाफ का आना जाना होता है। बेसिकली एक सेपरेट बिल्डिंग में ही सेटअप किया जाता है जहां की लैब्स और इनकी एग्जॉस्ट सप्लाई वैक्यूम लाइन से एकदम सेपरेट हों। जो पर्सनल इस लैब में काम करने जाते हैं वो क्लोथ्स चेंज करके जाते हैं और बाहर आने से पहले शावर लेकर आते हैं। इसका डीकंटामिनेशन ज़रूर होना चाहिए, मटेरियल्स का अंदर बाहर आने से पहले PPE पहन के जाना चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर सूट होना चाहिए। और इसका काम हम बायोसेफ्टी कैबिनेट 3 में करते हैं परफॉर्म। सो प्रोफेशनल्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।